जहाँ है कन्हैया वहीं सारी गैया, धन से दूध बहाने लग गैया। शुद्ध रूप से देसी गौ माता जो बिना सींगों की है और जिसमें एक बड़े साइज का हम्प है, सुंदर भारी झालरनुमा गलकंबल, नाभि शानदार शेप्ड और अच्छी हाइट लेंथ, यह गाय थारपारकर नस्ल में है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज एक शानदार सुपर क्वालिटी की थारपारकर नस्ल की गाय जो सेल के लिए अवेलेबल है, आज के वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही साथ नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। इस गाय को शीशपाल जी, जो विलेज कमीनपुरा डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर 9079793980। साथ ही आप राकेश जी का भी नंबर नोट कर सकते हैं, यह नंबर है 7412902002। इन नंबरों पर संपर्क करके इस गाय के बारे में पूरी जानकारी जो भी आप लेना चाहते हैं वह जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप यहां खुद उपस्थित होकर इस गाय को भली भांति देख परख कर खरीद सकते हैं। गाय आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जानकारी जरूर से दीजिएगा। आपको इस गाय के बारे में भी जानकारी दे दूँ, ये गाय सेकंड लैक्टेशन में है, दूसरे ब्यांत के अंदर है, जैसा जानकारी हमें शीशपाल जी ने दी है। ये अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि ब्याने में लगभग 1 महीने के आसपास शेष बचा है और दूध क्षमता 11 से 12 लीटर की अनुमान की जा रही है। पहले ब्यांत में इस गाय ने 10 लीटर दूध दिया है, इस बार आशा की जा रही है कि ये 11 से 12 लीटर दूध क्षमता हासिल कर सकती है, जो एक परिवार के लिए, एक छोटे परिवार के लिए घर पर पीने के लिए काफ़ी मात्रा है। 10 से 12 लीटर दूध क्षमता की गायें एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त हैं। ये गाय आपको कैसी लगी वह कमेंट करके जानकारी जरूर से दीजिएगा। साथ ही आपको इस गाय की कीमत बता दूं, शीशपाल जी ने इस गाय की कीमत 42,000 रुपये डिमांड की है, जो कि प्राइस नेगोशियेबल है। कीमत में बार्गेनिंग चाहते हो या ट्रांसपोर्ट के चार्जेस के बारे में जानकारी चाहते हो, स्क्रीन पर मेंशन किए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।